भारत में मीडिया भी है, मीडिया के सवालों का जवाब देना है, विपक्षी दल के सवालों का जवाब देना है। सुधीर चौधरी ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री को है मीडिया का डर, नरेंद्र मोदी को देने पड़ते हैं मीडिया के सवालों का जवाब। आइए जानते हैं उन्होंने ऐसा क्यों कहा। शुक्रवार 9 दिसंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में LAC पर भारत और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसका भारतीय सैनिकों ने दृढ़ता से मुकाबला किया। इस आमने सामने की लड़ाई में दोनों पक्षों के कुछ सैनिकों को मामूली चोटें आई है। इस खबर का खुलासा सोमवार 12 दिसंबर की देर शाम को हुआ। इसके बाद से सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। गोदी मीडिया के नामी पत्रकार और आज तक के मशहूर एंकर सुधीर चौधरी ने भी अपने प्राइम टाइम शो में इस घटना का जिक्र किया। शो में उन्होंने ओपोजिशन पार्टियों पर भी जमकर निशाना साधा। उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि वो बात सोशल मीडिया यूजर्स के गले नहीं उतर रही है। उन्होंने कहा कि चीन के राष्ट्रपति को ना तो कोई चुनाव लड़ना है, ना ही चीन में कोई ओपोजिशन दल है जो सवाल पूछ सकता है, ना ही उनके देश में कोई मीडिया है जिसके जरिए उनको अखबारों या न्यूज चैनलों को जवाब देना पड़े। जबकि भारत के प्रधानमंत्री को चुनाव भी लड़ने होते हैं और विपक्षी दलों को जवाब भी देना पड़ता है, मीडिया को भी जवाब देना पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्लियामेंट में विपक्षी दल तरह तरह के सवाल उठाएंगे और आरोप लगाएंगे कि भारत के सैनिक पीछे हट गए, चीन ने भारत की जमीन कब्जा कर ली और रक्षा मंत्रालय को इन सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। सुधीर चौधरी अपने ही कथन को अपने ही शो में झुठला रहे हैं। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि भारत में प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ता है मीडिया के सवालों का, वहीं दूसरी तरफ वो सरकार से सवाल पूछने के लिए विपक्ष और बुद्धिजीवियों को जमकर लताड़ भी रहे हैं। उन्होंने भारत के लोकतंत्र पर भी निशाना साधा है। सुधीर चौधरी अपने शो में भारत और चीन के बीच हुई हिंसक झड़प का जिक्र करते हुए सिर्फ ऑपोजिशन पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि सैनिक 24 घंटे बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, जहां पर उनको हर समय PLA के सैनिकों से खतरा रहता है। वहीं दूसरी तरफ ऑपोजिशन पार्टियां हैं जो सवाल खड़े करती रहती है। सुधीर चौधरी को इतना भी होश नहीं रहता कि ऑपोजिशन पार्टियां सरहद पर तैनात जवानों पर सवाल नहीं उठाती, वो सवाल पूछती है सरकार की नीतियों और रवैये को लेकर। सुधीर चौधरी भी खुद यही बात बोल रहे हैं कि भारत में PM को मीडिया के सवालों का जवाब देना पड़ता है, जबकि मीडिया तो विपक्षी पार्टियों से सवाल पूछ रही है और वो भी सरकार से सवाल करने को लेकर। तो सुधीर चौधरी की कथनी और करनी में इतना अंतर आपका दिमाग चकरा देने के लिए काफी है। सुधीर चौधरी के प्राइम टाइम शो से वायरल हुए इस क्लिप पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं। आइए देखते हैं। नीमो ताई नाम के एक सटायरिस्ट हैंडल से ट्वीट करके कहा गया कि तिहाड़ी कह रहे हैं कि भारत में मीडिया है और मोदी को मीडिया के सवालों का जवाब देना है। इसी हैंडल से एक और ट्वीट करके कहा गया कि इस मोनोलॉग के बाद भी तिहाड़ी ने चीनी सैनिकों के साथ झड़प को लेकर मोदी से कोई सवाल नहीं किया। उन्होंने कांग्रेस, नेहरू और ऋचा चड्ढा को जिम्मेदार ठहराया। सिद्धू नाम के एक यूजर ने सुधीर चौधरी का समर्थन करते हुए लिखा है कि उन्होंने अच्छा किया, क्योंकि नेहरू ने जमीन खो दी थी और ऋचा वही है जो अपने ही देश में बुराई ढूंढती है, और जो 60 साल से राज करे उन्हें मत कुछ कहो और 8 साल का हिसाब दो। प्राउड इंडियन नाम के एक हैंडल से लिखा गया कि सुधीर, अंजना, चित्रा, रूबिका को लेकर लगता है इतना डिफेंड भाजपा प्रवक्ता सरकार को नहीं करते होंगे। एक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके लिखा गया कि तो ये कहना चाहता है कोई मोदी से सवाल भी न पूछे, वाह मोदी मीडिया क्या कहने। सुधीर चौधरी के इस शो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहें।